माय YouTube चैनल तेजी इधर आया। तो हमने सोचा कि अगर आपके लिए इतने टाइम के बाद हम वीडियो लेके आ रहे हैं तो आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज पैकेज लेके आया जाए, इसलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं द ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 फायरबॉल एडिशन। तो यार इसके ऊपर हम पूरी वीडियो लेके आ रहे हैं। मतलब मैं आपको सच में बताऊं, मुझे बर्थडे के ऊपर इतने मैसेज नहीं आए जितने मैसेज मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए कि भाई मीटियोर 350 के ऊपर वीडियो कब आएगी, मीटियोर 350 और क्लासिक में से कौन सा बेटर है, मीटियोर ये मीटियोर वो। तो भाई सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना, पूरी एक फुल डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा इसके मीटियोर 350 के ऊपर कि क्या इसकी खामियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां, आपको लेना चाहिए, आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना। हमारे कैमरामैन हरमन हमारे साथ है, हरमन सबको हाय बोल दीजिए। सत श्री अकाल जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको कंपनी फिटेड अलॉयस मिल जाते हैं। ये जो अलॉयस की बिल्ड क्वालिटी है और जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब ये एक अच्छी बात है कि जो कस्टमर बाइक ले रहा है उसे बाहर से आफ्टर मार्केट अलॉयस नहीं लगवाने पड़ेंगे, जिसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है 8,000-10,000 के अलॉयस पड़ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिटेलिंग। आपको देखिए, अगर येलो रंग का आपका बाइक है, रेड कलर की है, उसके हिसाब से आपको रिम्स के ऊपर डिटेलिंग कितनी फाइन डिटेलिंग मिल जाती है। यार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बताती है कि जो कंपनी है वो कितना ख्याल रख रही है अपने कस्टमर, उनकी जो नीड्स है वो कैसे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइट। अब ये आपको मैं बताऊं कि जैसे हमारा बुलेट 350 है, क्लासिक 350 है, उसके अंदर आपको हैलोजन लैंप मिल जाता है, जिसको मैं वैसे ही बताता हूं कि इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं प्रोवाइड करता। तो यार इसके अंदर मेरे दोस्त ने एलईडी लैंप लगवाया हुआ है, तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू हैलोजन। और इसके अंदर आप डिटेलिंग इसके अंदर भी देखिए कि आपको रिंग मिल जाती है। ये छोटी छोटी चीजें मैं फिर वही बात करूंगा कि छोटी चीज जो है वो लुक ज्यादा प्रोवाइड करती है बाइक को अच्छी। तो यार अगर हम सामने की तरफ आए, सामने की तरफ अगर मैं टैंक की बात करूं तो टैंक के ऊपर आपको मैट फिनिश प्रोवाइड की जा रही है। अब आपको दो कलर ऑप्शन मिल रहे हैं फायरबॉल एडिशन के अंदर, एक आपको रेड का ऑप्शन मिल रहा है, एक आपको येलो का ऑप्शन मिल रहा है। स्टेलर के अंदर अपने कलर ऑप्शन है, उसके साथ ही आपको जो सुपरनोवा है उसके अंदर आपको दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। हम इस वाले की बात करें तो आपको जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं जो है एम्बलम का ज्यादा प्रेफरेंस पे हूँ एज कम्पेयर टू स्टिकर जॉब। जो हमारे न्यू बुलेट 350 आ रहे हैं एक्स या ईएस या फिर क्लासिक, उसके अंदर स्टिकर जॉब की जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 3D एम्बलम दिया गया है जो और बेटर लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर शीट लगवा सकें ताकि आपके जो स्क्रैचेस है मैट फिनिश खराब ना हो, स्क्रैचेस ना आए उसके ऊपर, तो आप ये लगवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपको 100-200 पड़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी क्वालिटी ले रहे हैं। इसके बाद हम सीट के ऊपर आते हैं। तो यार सीट इस बारी तो क्या ही रॉयल एनफील्ड ने सीट दी है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। आप अगर सिटी में बाइक चलाना चाहते हैं, आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में ये बहुत ही कंफर्टेबल टू होल्ड है, ठीक है। आप ये देखिए, अगर मैं ऐसे, अब मेरी जो हाइट है वो 6'1" है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि 6'1" मेरी हाइट है। अब मेरे जितने बड़े राइडर के लिए भी बहुत ही अच्छी जो ग्रिप है, बहुत ही अच्छी सीटिंग पोजीशन है, ना अग्रेसिव है ना बहुत ही लूज है, आपको पूरी फील मिल रही है रॉयल एनफील्ड वाली। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सीट अच्छी है। अब इसके साथ जो आपको पिलियन की सीट भी मिल रही है वो भी बहुत एक्सीलेंट है यार। अब आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाती है, स्प्लिट सीट के साथ आपको जो है हैंडल बार मिल जाते हैं। तो यार जो पिलियन है उसे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो सीट की लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है और जो सीट की ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन डिटेलिंग की गई है ऑल ओवर द बाइक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बाइक के पीछे हूँ तो बाइक के पीछे आपको देख सकते हैं कि जो पार्किंग लाइट्स है और बहुत अच्छी है, वो भी थोड़ी सी क्लासिक के हिसाब के हैं। जैसे क्लासिक में आपको मिल जाती है पार्किंग लाइट, वैसी आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो पीछे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रिल है। ये सब सिमिलर सी चीजें हैं जो आपको जो ओल्ड थंडरबर्ड 350 या 350X मिलता था उसके अंदर या जो क्लासिक के अंदर आपको चीजें मिलती है, ठीक है। इसके साथ जो फुट पैग है, फुट रेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो बेटर है। अब जैसे मैंने 350X की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी कि जो टॉल राइडर्स है ना उनके लिए वो फुटपैक्स इतने कंफर्टेबल नहीं थे, वो थोड़ा ऐसे गए। अब यहाँ पे जो फुटपैक्स है वो बेटर है एज कम्पेयर टू थंडरबर्ड 350X। तो ये मेरे को चीज अच्छी लगी कि जो लोग टूरिंग के लिए जाना चाहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। के बाद अगर हम बात करें बाइक की स्पेसिफिकेशन की, तो यार यही है जहां पे रॉयल एनफील्ड ने सारी गेम ही पलट दी है, अपना सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीआर 350 हाईनेस आई है, उसके कंपैरिजन में अगर मैं ये बताऊं तो बहुत ही अच्छी बाइक है। क्यों, अब मैं आपको इसके
दिखाना चाहूंगा कि कंसोल कैसे है। सबसे पहले तो आपको यार एनालॉग डिजिटल मीटर मिल जाता है, इसके बाद आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है। मैं आपको बताऊं इसके अंदर आपको जो चार्जिंग पॉइंट भी है, इस साइड में आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग के लिए बताऊं, तो स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ से हमने बाइक ऑन की। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी जो 350 क्लासिक है या फिर स्टैंडर्ड उसकी जो की है वो नीचे लगती है, यहाँ पर की ऊपर ही लगती है। इसके बाद स्टार्ट करने के लिए आपको स्विच की जगह नहीं, सेल्फ स्टार्ट, ये देखिए कितने ही स्मूथ फंक्शनिंग है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रॉयल एनफील्ड इतने टाइम से, पता जो कस्टमर थे रॉयल एनफील्ड के वो यही कह रहे थे कि बाइक्स बहुत अच्छी हैं, फील बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी कि जो रॉयल एनफील्ड है वो बाकी जो हमारी बाइक्स हैं उसके कंपैरिजन में वो इतनी एडवांसमेंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा कंसोल था वो बहुत पुराना था, जो फ्यूल गॉज था वो नहीं वो दे रहे थे। इसके अंदर रॉयल एनफील्ड ने सारी बातें सुनी है और सारी जितनी शिकायतें उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छी जो है सर्विस प्रोवाइड की गई है। यार इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे बाइक की परफॉर्मेंस की। तो यार क्या ही शानदार परफॉर्मेंस है, मैंने आज ही ये बाइक पहली बार ही चलाई है। इसको मैंने अराउंड 50 किलोमीटर आज चला के देखा है पूरी। ये बाइक मैंने दोस्त से आज ले ली थी, तो मैंने 50 किलोमीटर ये अराउंड बाइक राइड कर चुका हूं। पहले मैंने सिटी के अंदर देखी, फिर मैंने हाईवे के ऊपर ये बाइक चला के देखी, और क्या ही भाई भाई जो बाइक भागती है, क्या ही बाइक भागती है यार। मतलब जो 0 to 60 की एक्सेलरेशन है बहुत तेज है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ही कोई भारी बाइक चला रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो फ्यूल कैपेसिटी है वो टैंक की 15 लीटर है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। जो हमारे स्टैंडर्ड 350 और क्लासिक 350 है उसके अंदर आपको 13.5 लीटर का टैंक मिलता है, यहाँ पे आपको 15 लीटर का टैंक प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद जो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 115 तक गई थी, 110 पे आपको थोड़ी वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। अब वाइब्रेशन का मैं आपको बताऊं कि बहुत ही इंप्रूवमेंट की गई है वाइब्रेशन में। अब कई लोगों को जिनको वाइब्रेशन पसंद है उनको शायद ये ना अच्छी चीज लगे, बट जिनको वाइब्रेशन प्रॉब्लम देती है रॉयल एनफील्ड में, इस बाइक में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाइब्रेशन 70 to 80 तक बाइक बहुत ही स्मूथ भागती है। अराउंड जब आप 100 क्रॉस करेंगे तब आपको थोड़ी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, जो तो लाजमी बात ही है। ठीक है, इसके बाद जो बाइक का इंजन है वो 349 cc है, जो हमारे बुलेट और क्लासिक है वो 346 cc है। बहुत ही माइनर सा अपग्रेड है, 349 cc आपको मिल जाएंगे। दोनों साइड आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी, तो ब्रेकिंग तो है वो भी बहुत शानदार की है, ब्रेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इसकी जो मैं पावर की बात करूं, आपको 20.4 bs की पावर मिल जाती है, उसी के साथ आपको 27 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो यार ये नॉर्मल है। ठीक है, बट जो बाइक है वो एक्चुअली में बहुत बाइक, अगर हम बाइक की पूरी स्टाइलिंग देखें, डिटेलिंग देखें, कंफर्ट देखें, फील देखें, तो ये रॉयल एनफील्ड के जैसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आपकी साइड साउंड के अंदर। तो यार जो इसके अंदर मैं आपको बाइक दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है वो चेंज किया गया है। क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो स्टॉक एग्जॉस्ट था उसकी जो आवाज थी वो बहुत ही बेकार थी। ठीक है, सुना देता हूँ कि अगर आप चेंज करवाएंगे एग्जॉस्ट तो आपको कैसी साउंड मिलेगी। चलान चाहते हैं, अगर आपने 2-2.25 लाख ही अब आपको बाइक पड़ जाएगी, आप इतना पैसा लगवाया ही है, तो आप स्टॉक भी चेंज जरूर करवा लीजिए। ठीक है, तो यार यहीं पे यही पूरा ओवरव्यू था। अब मैंने बाइक अभी इतनी ज्यादा नहीं चलाई कि मैं आपको डिटेल्ड रिव्यू दे सकूं, बहुत टाइम के बाद मैं, अगर आपको 2-3 महीने बाइक चला के आपको मैं बताऊंगा कि कैसा इसका डिटेल्ड रिव्यू है, क्या इसके डिटेल्ड प्रोज एंड कॉन्स है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल देसी तरह यार ही, हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अब मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए रेगुलर अपलोड्स आती रहेंगी आपको एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यार स्टे हेल्थी, स्टे फिट, फाइट कोरोना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल देसी तरह यार ही।